हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज हम कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कुमाऊँ यूनिवर्सिटी द्वारा क्या क्या लगाया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो लेवल रहता है एग्ज़ाम का, वो लेवल आपका UGC नेट जितना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहेगा। तो अगर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप अदर यूनिवर्सिटी के पेपर से या फिर UGC नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो पैटर्न रहता है वो 100 क्वेश्चंस का रहता है, 2 आवर्स का पेपर होता है और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और साथ ही साथ इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी टॉपिक में एग्ज़ाम के लिए कुमाऊँ यूनिवर्सिटी ने 10 यूनिट्स रखी हैं, तो इसमें भी 10 यूनिट्स हैं जिसमें आपको 10 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर सिलेबस। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट लगा हुआ है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी आपका टॉपिक है, उसके अंदर आपको सब टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको ये टॉपिक्स तैयार करने हैं। जैसे देखिए, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दिया है, गोल ऑफ आइडियोलॉजी दिया है, थ्योरीज ऑफ चेंजेस दिया है। देखिए, अब जैसे यहाँ पे ये दिया है थ्योरीज ऑफ चेंजेस, तो इसमें देखिए आपको 3 राइटर्स के नाम दिए हैं, नैनिन माओ और गांधी। तो इन 3 राइटर्स के हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है, थ्योरीज ऑफ चेंजेस की और अदर राइटर्स का भी दिया होगा, तो उनके हिसाब से मत तैयार कीजिए। तो क्या है कि जितना आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है, मोस्टली क्वेश्चंस उसी से आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिटिकल थॉट, तो इसमें पॉलिटिकल थॉट के बारे में बताना है, जिसमें प्लेटो के और एरिस्टोटल के थॉट्स बताने हैं, कार्ल मार्क्स के थॉट्स बताने हैं। तो देखिए, आपको और भी राइटर्स दिए हैं, गांधी, एमन रॉय, तो इन सब के थॉट्स आपको बताने हैं, तो इन सब के विषय में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कंपरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, उसके अंदर देखिए बहुत से सब टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, फिर 5th है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट डायनेमिक्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स। अच्छा, इसके PDFs मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूँगी, तो अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया है ग्रोथ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखिए इसमें आपको थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताना है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के विषय में बताना है, और भी आपको टॉपिक्स दिए हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अलावा अगर आप लोग अभी पढ़ते हुए ही चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट से आप चेक कर सकते हैं सिलेबस, या फिर आप खुद से नोट कर सकते हैं सिलेबस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें आइडियोलॉजी, पावर एंड इंटरेस्ट, उसके अलावा आपको रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन SAARC और ASEAN के विषय में दिया है। ठीक है, तो आप इन सब टॉपिक्स वो सब टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेजर इश्यूज ऑफ हिल रिलीजन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ आपका टॉपिक जो आपका टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।